तो गाइस देखिए काली मंदिर के पास आ गए हनुमान नगर के, तो देख सकते हैं गाइस सामने से ये गुफा टाइप का यहाँ पे हमेशा पंडाल बनता है। ये देखिए इसमें भगवान विराजमान रहेंगे इसके अंदर, और ये देखिए यहाँ पर मंदिर प्रांगण में ये पंडाल बन रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज देखिए आपको हम क्या दिखाने वाले हैं। पटना के हनुमान नगर इलाके में तीन जगह लगता है भाई दुर्गा पूजा के अवसर पे पंडाल, एक दुर्गा मंदिर के पास, एक काली मंदिर के पास, और एक उस दोनों के बीच मतलब बिटवीन में बीच में। चलिए देखते हैं अभी पंडाल का क्या स्थिति है। आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, पूरा दृश्य आपको दिखाते हैं अभी तक क्या पंडाल का स्थिति है, कहाँ तक बना है, और फिर मेला में तो आप लोग को घुमाएंगे। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। हनुमान नगर का माँ दुर्गा मंदिर यही है गाइस, देख सकते हैं आप लोग माँ दुर्गा विराजमान है, और ये सामने देखिए यहीं पर विराजमान होती है माँ दुर्गा, और पंडाल भी बन रहा है सामने से आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं गाइस सामने से ये गुफा टाइप का यहाँ पर हमेशा पंडाल बनता है, और ऊपर में कोई भगवान का मूर्ति भी रहता है। तो देखिए वो मूर्ति भी बन रहा है ऊपर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और गुफा टाइप का ये पंडाल बनता है भाई, एकदम दर्शनीय रहता है। मेला टाइम में भी आपको दिखाएंगे, तो नए होंगे व्यूअर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई, ठीक है। तो देखिए अभी ये पंडाल का यही स्थिति है, बन रहा है एकदम पुरजोर से बन रहा है, स्टार्ट है काम, और यही है दुर्गा माँ मंदिर, और साथ बगल में भोला बाबा का मंदिर भी है। तो ये वाला आपको दिखा दिया, अब चलिए चलते हैं काली मंदिर के पास, देखते हैं क्या स्थिति है। और यहाँ पर भगवान विराजमान होती है जैसे कि आपको दिखा दिए, और ये लोग यहाँ पर चंडा गाड़ रहे हैं अभी, और ये माँ का दर्शन कर लीजिए। ये है माँ भव्य दुर्गा मंदिर आवास बोर्ड चौराहा, ठीक है हनुमान नगर। चलिए मिलते हैं अब काली मंदिर। अभी देख सकते हैं गाइस कितना आसानी से यहाँ पर चल रहे हैं, और दुर्गा पूजा के टाइम जो मेला रहता है ना भाई, यहाँ से चलना मुश्किल रहता है, एकदम ऐसे ऐसे एकदम धीरे धीरे कदम बढ़ा के चलना पड़ेगा। यहाँ पर मेला का टाइम में कभी ब्लॉग बनाएंगे आप लोगों के लिए, आप लोग बस सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा लीजिए। तो दुर्गा मंदिर और काली मंदिर के बीच में जो बनता है, देखिए उसका गेट यहाँ पर बनने लगा है, और इसी रास्ता से जाना है सीधा। तो दुर्गा मंदिर और काली मंदिर के बीच में जो हनुमान नगर में लगता है दुर्गा पूजा का पंडाल, वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए उसका भी स्थिति देख लीजिए। तो देखिए आप लोगों को गैस दिखने लगा होगा, यही पंडाल बन रहा है, अभी स्टार्ट ही हुआ है। ये देखिए इसमें भगवान विराजमान रहेंगे इसके अंदर, और ये ऊपर में पंडाल बन रहा है बांसों के थ्रू। तो ये अभी स्थिति है भाई, ये भी अभी कार्यरत रहे। तो चलिए अब चलते हैं, डायरेक्ट मिलते हैं आप लोगों से काली मंदिर के पास, वहाँ पर भी तो पंडाल बन ही रहा हो। तो गाइस देखिए काली मंदिर के पास आ गए हनुमान नगर के, ये देखिए अभी यहाँ पर भी कार्यरत रहे काम, पंडाल बन रहा है, देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर भी गाइस कार्यरत है अभी, और आपको काली मंदिर भी दिखा देते हैं, ठीक है। देखिए ये भाई इसी में माँ विराजमान रहती है, सामने जो आपको दिख रहा होगा इसी में माँ विराजमान रहती है। तो अभी कार्यरत है पंडाल यहाँ पर भी, और काली मंदिर आपको दिखा देते हैं, मशहूर है भाई पटना का हनुमान नगर का काली मंदिर। ये देखिए यही मंदिर है काली माँ का, आप देख सकते हैं। ये देखिए काली मंदिर लिखा भी हुआ है, तो आप लोग यहाँ पर आइएगा तो दर्शन कर सकते हैं। तो गाइस लगता है कार्य अभी फर्स्ट स्टेज में ही है, देख रहे हैं बांस तो लग गया है, उसके बाद सेकेंड स्टेज स्टार्ट होगा, और इसमें माँ विराजमान रहती है। काली मंदिर के पास जो बन रहा है वो भी दिखा दिया आप लोगों को, तीन जगह अभी तक हनुमान नगर में जो लगता है दिखा दिए हैं, और चौथा जगह भी एक पतगान नगर थाना के बगल में एक मंदिर है हनुमान जी का, उसमें माँ दुर्गा भी हैं, वहाँ भी बैठती हैं। तो वहाँ भी चलते हैं और देख लेते हैं करंट स्थिति क्या, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। देखिए गाइस पतगान नगर थाना के बगल में एक यही मंदिर है हनुमान जी का, जो इस गली से होते हुए जा रहे हैं, यहाँ पर भी लगता है दुर्गा मेला। और ये गली देख ही पा रहे हैं आप लोग, मंदिर का गली है, मंदिर की ओर जा रहे हैं। शिव शक्ति मंदिर हनुमान नगर में पतगान नगर थाना के बगल में जो है, यहाँ पर भी भव्य दुर्गा मेला लगता है। ये देखिए देख रहे हैं अंदर की ओर प्रवेश करते हैं, जहाँ भगवान का दर्शन कर लेते हैं, आप लोग अभी कराते हैं। देखिए अंदर की ओर पंडाल भी बन रहा है गाइस, ये मंदिर के प्रांगण में ही पंडाल यहाँ पर बनता है, और ये रही माँ दुर्गा माँ, तो यहाँ पर यही पर माँ रहती हैं। इसी मूर्ति पे पूजा किया जाता है भाई, यहाँ पर मूर्ति अलग से नहीं बैठता है। और ये देखिए यहाँ पर मंदिर प्रांगण में ही पंडाल बन रहा है, और अभी थोड़ा नुआई जा रहा होगा क्योंकि यहाँ पर भजन कीर्तन चल रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ये रहे महावीर जी, बजरंग बली की जय हो, जय श्री राम, आप लोग दर्शन कर लीजिए गाइस। तो ये मंदिर भी बहुत खास मंदिर है गाइस हनुमान नगर में, आप लोग आइएगा तो अच्छा वाइब यहाँ पर मिलेगा। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, जरा भगवान का दर्शन कर लेते हैं। तो गाइस देखिए मंदिर के ऊपरी हिस्सा में आ गए हैं अभी, देखिए पंडाल बन रहा है मंदिर के प्रांगण में ही। तो यहाँ पर भी अच्छा दुर्गा मेला मतलब मेला में आ सकते हैं भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए।
और ये प्रॉपर मंदिर है, यहाँ पर बहुत सारे भगवान देख सकते हैं, माँ काली का मूर्ति वर्तमान है और भगवान को आपको दर्शन करा देते हैं। ये देखिए, देख सकते हैं आप लोग श्री कृष्णा और महादेव माँ पार्वती, यहाँ पर देख सकते हैं महादेव, ये राम का शिवलिंग और माँ पार्वती, मतलब सारे भगवान के दर्शन यहाँ पर इस मंदिर में भी आपको हो जाएंगे। श्री गणेश और माँ सरस्वती, सारे भगवान का यहाँ पर दर्शन हो जाएंगे, देख सकते हैं। ये भी एक डिसेंट अच्छा सा मंदिर है, आप लोग आइए, आप यहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं। और दुर्गा मेला में यहाँ पर अच्छा वाइब रहता है, आप लोग को तो वैसे ब्लॉग में हम दिखाएंगे, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा न्यू व्यूअर होंगे तो ब्लॉग में बने रहिए। तो गाइस आप लोगों को बताइएगा ये ब्लॉग कैसा लगा आपको, हम अपने एरिया जिस एरिया में हनुमान नगर एरिया में रहते हैं कंकड़बाग के, उस एरिया में दिखा दिया जहाँ अभी मेला लगता है भाई। और ब्लॉग जिस समय बनाएंगे मेला का उस समय कोशिश करेंगे कि और भी डिस्टेंस ट्रेवलर करें, क्योंकि उस समय गाड़ी कम चलता है भाई, मतलब कुछ ही रूट में ही टेम्पू वगैरह चलता है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे मेरे पीछे भी देख रहे होंगे हनुमान नगर का ये मार्केट है भाई, उस टाइम इसमें एकदम चलने में बहुत दिक्कत होता है, एकदम टुकड़ टुकड़ के चलना पड़ता है, मेला में इतना भीड़ रहता है। तो उस टाइम कोशिश करेंगे कि आप और भी एरिया का मेला का ब्लॉग बनाए, तो आप लोग अगर नए व्यूअर होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा गाइस, आप बेल आइकन दबा लीजिएगा और ये ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बस लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक चलिए बाय बाय गाइस।